हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो मैकेनिक्स से है, फिजिक्स का ही टॉपिक है। फिजिक्स में ही मैकेनिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और ये सारे एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हैं, SSC, CHSL, CGL, और ये आने वाले एग्ज़ाम CPU, NTPC के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GS का क्वेश्चन सब सेम ही होता है। तो वही क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलते अपने वीडियो पे। वीडियो पे जाने से पहले मेरे वीडियो को थोड़ा सा, जो नए होंगे वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, मैकेनिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 पे। कह रहा है द पर्पस ऑफ चौक इन अ फ्लोरोसेंट लैंप इज, ये क्या करता है? ये करेंट को डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है, टू डिक्रीज द फ्लो ऑफ करेंट। यहाँ पे एक्सप्लानेशन आप देख लीजिएगा, कि एक्सप्लानेशन वही है, आपको सिर्फ याद करना है, सिर्फ पढ़ लेना है एक बार। कह रहा है इन फ्लोरोसेंट लैम्प चौक इज यूज टू मोटिवेट द हाई वोल्टेज। दिस हाई वोल्टेज प्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ लैम्प विच कॉजेज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एंड रिलीज द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। दिस रेडिएशन स्टिमुलेट अ फॉस्फोरस विच इमिट विजुअल लाइट फोटोन। ये था इसका एक्सप्लानेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, पर्सन इज अ हर्ट ऑन किकिंग स्टोन ड्यू टू। कोई भी पर्सन आप देखते हैं कि स्टोन को अगर बिकता है पैर से तो खुद चोट लगता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ आप जानते हो कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो भी एक्शन हम लोग करते हैं उसका अपोजिट रिएक्शन भी होता है। ये देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बताया गया है। कह रहा था एक साइकिल टाइप 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 नहीं, ये टायर होगा, ए साइकिल टायर ब्रश्ड सडनली। दिस रिप्रेजेंट एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है, इसमें होता क्या है? ड्यू टू ब्रस्टिंग ऑफ आयर, एयर फ्रॉम टायर डिफ्यूजेस वेरी क्विकली इन वेरी लेस टाइम ड्यू टू द हीट डज नॉट गेट ट्रांसफर्ड, एंड व्हेन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट इन प्रोसेस दिस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है ना, कि हीट है जो बाहर नहीं निकलता है। देखिए टायर चलते रहता है, चलते रहता है, फ्रिक्शन के कारण वो गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है तो बाहर निकलता नहीं है, बाहर नहीं निकलता तो क्या होता है, वो गर्म के कारण है जो टायर फट जाता है। यही अगर हीट बाहर निकलेगा तो उस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए व्हील बोरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये है जो एग्जाम्पल किसका है, ये है जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, सेकंड क्लास लीवर। यहाँ पे यही 4 होगा, ये यहाँ पे कट चुका है थोड़ा। कह रहा है कि बॉडी विथ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो उसमें ए है जो 0 होता है। आप यहाँ पे एक समझ लीजिए, आप एक फॉर्मूला होता है वी इजकल टू यू प्लस ए टी, ठीक। यहाँ पे भी ये क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए 0 है, इनिशियल भी 0 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए टी इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्सलेशन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये देख लीजिएगा, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ, कैन नॉट बी एक्सेलरेट, यूनिफॉर्म है। कह रहा है ये इफ अ बुलेट ऑफ मास एम इज अ फायर्ड इन अ वुडन ब्लॉक ऑफ वेलोसिटी ए विच इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेक्टर। आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। इसमें सपोज कीजिए एक मास है, जिसका मास का मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा बुलेट का, एम इक्वल टू वी। अब क्या हुआ, एम प्लस वी तो होगा ही, प्लस जो जो आपका मीन्स वुडन ब्लॉक होगा उसका भी कुछ मास होगा, उसका भी कुछ वेलोसिटी होगा, उसका भी कुछ वेलोसिटी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एम है बुलेट का, मास है आपका ये वुडन ब्लॉक का, इसका भी वेलोसिटी भी है। अब ये जो गोली था वो जाके उसमें एम्बेड हो गया, एम्बेड हो गया तो वो भी उसी मोशन पे, उसी वेलोसिटी पे जाएगा, तो ये एम भी हो गया, तो एम इंटू वी वन, तो वी वन क्या हो गया आपका, इसको एम से डिवाइड दे देंगे, यही हो गया वेलोसिटी। चलते हैं 7 पे। करें मास ऑफ बॉडी ऑन अ मेजरिंग इन अ लिफ्ट एट रेस्ट, व्हाट अ फिजिकल बैलेंस इज फाउंड टू बी एम इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड इन डायरेक्शन। नाउ दैट विल द बॉडी ऑफ द मोशन। ये आपका बी, ऑप्शन बी।
इसमें भी वही है जो मैंने अभी आपको बताया था, एक्सप्लानेशन क्या था वो वी होगा। चलिए कह रहे हैं द अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट इज लेस देन अ रियल वेट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्हेन द लिफ्ट इज गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन, नीचे जाता है तो एक्सेलरेशन के कारण है जो लिफ्ट मैन का जो वेट होता है वो लेस हो जाता है। कह रहे हैं इफ हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम इट मैक्सिमम हाइट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, एक फॉर्मूला पे है, यहाँ पे देख सकते हैं एक फॉर्मूला है, आप यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा थीटा का वैल्यू 450 डिग्री। कह रहे रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल इंजन आर वर्किंग बिटवीन द सेम लिमिट ऑफ टेम्परेचर, द एफिशिएंसी इज, एफिशिएंसी क्या होता है इसका? एफिशिएंसी होता है ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है द रिवर्सल इंजन इज अ ग्रेटर देन इन रिवर्सेबल। ये सब इतना इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लग रहा क्योंकि 2015 के बाद उतना पूछा नहीं गया, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा। कह रहा है द काउज ऑफ मैग्नेटिज्म इन अ मटेरियल इज सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, के कारण ही है जो किसी भी मटेरियल का मैग्नेटिज्म होता है। कह रहा है आयरन फिलिंग कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम हेट्रोजीनियस मिक्सचर यूजिंग टेक्निक ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हम लोग मैग्नेट से ही आयरन फिल्म को निकाल सकते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई पैरेलल लाइन होता है, आप देखते होंगे कि ऐसे ऐसे पैरेलल लाइन। विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्स इज अ वर्चुअल फोर्स, वर्चुअल फोर्स कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को वर्चुअल फोर्स कहते हैं। ए सकिंग पेपर अब्सॉर्ब द इंक स्प्रेड ऑन द पेपर बिकॉज एक्सेलरेटेड ड्यू टू द ग्रेविटी ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। आपको पता होगा कि कोई भी दिया होता है, दिया में जो बत्ती होता है वो अपने आप क्यों जलता है? क्योंकि कैपिलरी मोशन के कारण होता है, यहाँ के जो लिक्विड होता है वो मूव करता है इसमें, इसी के कारण। कोई भी चीज़ होता है ना, जैसे पेन का, पेन हो गया आपका, पेन से आप लिख रहे हैं तो उसका जो इंक ऊपर से नीचे कैसे आ रहा है, नीचे से ऊपर कैसे आ रहा है, वो कैपिलरी मोशन होता है, वो लिक्विड में एक प्रॉपर्टी होता है। कह रहे लिब्रिएंट ऑयल इज यूज इन व्हीकल्स टू डिक्रीज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कह रहे व्हेन व्हाइल असेंडिंग अ हिल द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल्स कीप द गियर रेशियो आइदर ग्रेटर और इक्वल टू वन। ये क्यों रखते हैं? क्योंकि वो पिछले नहीं, मतलब जो हिल पे जा रहे हैं वो बार बार पीछे भी तो आ सकते हैं, तो इसीलिए उसका एक होता है कि वो ग्रेटर रखे या इक्वल टू वन रखे गियर का रेशियो। कह रहे विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्स इज डिस्पेक्टिव, वो होता है फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल फोर्स इज अ डिसिपेटिव फोर्स, डिसिपेटिव फोर्स। फ्लाई व्हील इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ स्टीम इंजन बिकॉज हेल्प्स द इंजन इन कीपिंग स्पीड यूनिफॉर्म। कह रहा पैसेंजर पैसेंजर आर नॉट अलाउड टू स्टैंड ऑन द अपर डेक ऑफ बस बिकॉज, क्योंकि इनर्सिया के कारण वो पीछे गिर जाएगा अगर बस आगे चलेगा तो। पैसेंजर आर इन द इनर्सिया ड्यू टू इमोशन, ऑप्शन नंबर डी। करेन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इट एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट। अभी मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दूसरा है, ये भी इक्वल टू एक फॉर्मूला है सेकंड लॉ ऑफ प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें देख ली एन ऑब्जेक्ट कवर अ डिस्टेंस विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अ टाइम, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ टाइम। देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे आप दिखा देता हूँ मैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, ये अगर ये कांस्टेंट रहा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के पास होगा। द स्पून ड्रॉप बाई एस्ट्रोनॉट इन सेटेलाइट विल कंटिन्यू टू फ्लो द मोशन ऑफ सेटेलाइट, सेटेलाइट के मोशन पे ही वो मूव करेगा। करें अकॉर्डिंग टू दिस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिव ऑफ मास ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द मास ऑफ पार्टिकल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीज पे वो भी इंक्रीज करेगा। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच ऑफ द फ्लोइंग रिमेन अनचेंज, स्पीड ऑफ लाइट है जो कभी चेंज नहीं होता है, वो फिक्स होता है। करें व्हेन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इन अ फील्ड द गियर एक्ट ऑन इट बोथ अपवर्ड थ्रस्ट एंड वेट,
अगर कोई भी बॉडी को हम अगर पानी में डालते हैं तो ये पानी तो आपका अपवर्ड फोर्स देता ही है, अपवर्ड थ्रस्ट, उसका वेट भी देगा mg। कह रहे बॉल पेन आर द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन इन अ बॉल पेन कंपरेटिवली डार्क इन इज फील्ड एंड इट इज इंसर्टेड स्लो बाई स्लो बॉल ऑफ इंक। वेन अ पेन इज मूव फ्रॉम राइटिंग देन ड्यू टू रिफ्लेक्शन इट रोटेट एंड ड्यू टू ग्रेविटेशन इंक कम्स ऑन अ पेपर। देखिए पेन का जो नीव होता है ना, यहाँ पे एक बॉल्ब टाइप का होता है, जब भी हम उसको लिखते हैं ना तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वो मूव करता है, मूव करने के कारण इंक है जो बाहर आता है, वही कर रहा है ये। करे द वाइल इन द वीक ऑफ अर वाइल्ड लाइफ राइजेज अप टू डी, पहले मैंने आपको बताया था कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। हु डिस्कवर्ड टेलीविजन जे एल बियार्ड। ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, ह्यूमिडिटी किस लिए मेजर करा जाता है, हाइग्रोमीटर के कारण, और लैक्टोमीटर से हम लोग मिल्क को चेक करते हैं कि उसमें कितने पानी है, वो हाइड्रोमीटर प्रेशर के लिए यूज होता है, और पायरोमीटर आपका शायद इसके बारे में मुझे पता नहीं है, पायरोमीटर के बारे में आप लोग को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। करें विच ऑफ द फ्लोइंग यूज टू मेजर द प्रेशर, प्रेशर को यूज करने के लिए कौन सा बैरोमीटर यूज करते हैं, हाइड्रोमीटर एटमोस्फेरिक प्रेशर को यूज करते हैं। कर रहा है इन अ बैरो, इट इज अ बैरोमीटर इज प्लेस्ड ऑन अ बॉल जार एंड एयर फ्रॉम इट रिमूव स्लोली देन द लेवल ऑफ मरकरी डिक्रीजेस। ऑप्शन नंबर बी। इट इज इजी टू ब्रस्ट अ गैस फिल्ड बैलून विथ अ नीडल देन नील, क्योंकि आप लोग को पता होगा क्योंकि उसका प्रेशर ज़्यादा लगता है पतले चीज़ से मोटे का। आपको पता होगा प्रेशर इज इक्वल टू होता है मास बाई एरिया, ठीक, अगर एरिया ज़्यादा रहा तो प्रेशर कम रहेगा, अगर एरिया ज़्यादा कम रहा तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा, फोर्स बाई एरिया होता है। कह रहा है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द विंड स्पीड इज एनोमीटर, एनोमीटर यूज टू, ऑप्शन नंबर बी स्पीड ऑफ अ विंड। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर डेंसिटी ऑफ मिल्क लैक्टोमीटर, मैंने अभी आपको यहाँ बताया था प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर बाई लैक्टोमीटर। देखिए कितना बार रिपीट किया है कि क्वेश्चन को। रिलेटिविटी ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ आउट ऑफ द फ्लोइंग डेंसिटी ऑफ मटेरियल एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ, क्या होता है, किसी भी मटेरियल को हम डेंसिटी ऑफ वाटर से रिलेट करते हैं उसी को कहते हैं रिलेटिव ग्रेविटी। डायमेंशनल ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इज, ये होता है आपका जी इज इक्वल टू m1, यहाँ पे मास है यहाँ पे भी मास है, मास मास, और फिर आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग अगर डायमेंशनल फॉर्मूला आपको देख सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइव करके। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव एनी डायमेंशन, स्ट्रेन का डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेन का होता है लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ लेंथ कट गया ये तो यूनिट यूनिट लेस हो गया, तो यूनिट लेस लोग का डायमेंशन नहीं होता है। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ML1, ये किसका है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का है। ये सब चीज़ आपको याद करना होगा, इतना एग्जाम में निकालने का जरूरत नहीं है आपको। करें विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन, वर्क और एनर्जी का सेम होता है। करें द अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ अ बॉल ऑफ स्टील इज इट्स, द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉल ऑफ स्टील इज इट्स मास बी। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, इसलिए मास हो, ऑप्शन बी। वेट ऑफ द बॉडी एक्ट फॉर द सेंटर, क्यों, ग्रेविटेशनल ऑफ मास के कारण। ए मैन स्टैंडिंग ऑन अ टॉप ऑफ टावर हैज़ अ टू स्फीयर ए एंड बी, ही ड्रॉप द स्फीयर ए डाउनवर्ड एंड थ्रो स्फीयर बी हॉरिजेंटली एट द सेम टाइम, विच ऑफ द फ्लोइंग इज। एक कह रहा है ना कि एक आदमी है एक बॉल को ऐसे नीचे फेंका, एक है जो ऊपर करके भी फेंका, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऊपर करके फेंका, तो कौन पहले पहुँचेगा, दोनों सेम ही पहुँचेगा, ऐसा क्यों होगा, यहाँ पे आपको देख लीजिए जो बॉडी का जो मास है वो सेम ही है, तो सपोज कीजिए कि ये बॉडी है, बॉडी का ये भी मास m1 है, इसका ही मास m1 है, तो दोनों का जो रेडियस तो सेम है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो दोनों में सेम ही लगेगा, तो दोनों में सेम ही लगेगा
तो दोनों भी है जो एक ही समय पर नीचे आएंगे। करें पीस ऑफ अ वुड इज हेल्ड अंडर द वाटर द अप थ्रस्ट इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। मैंने आपको बोला था कि अपर थ्रस्ट और वेट दोनों एक साथ लगते हैं, अगर दोनों अगर बीच में है यानी कि ये भी सेम लगा रहा है तो ये भी आपका फोर्स सेम ही लगेगा। करें व्हेन वाटर फ्रीज इट्स डेंसिटी इज डिक्रीजेस। आपको पता होगा कि वाटर का जो मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ए जग इज फिल्ड इन द ब्रीम ऑफ विथ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस अ पीस ऑफ आइस फ्लोट इन इट वाटर लेवल रिमेन अनचेंज्ड ऑप्शन नंबर बी। अगर सपोज कीजिए एक वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, इसमें अगर पानी हम डाल देंगे तो जो मोमेंट ऑफ आइस मेल्ट वाटर लेवल क्या होगा वो सेम ही होगा अनचेंज। क्रीम गेट सेपरेटेड फ्रॉम आउट फ्रॉम द मिल्क व्हेन इट चंक ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है ये। द कॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी मैंने बताया द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्सिया। इसका फॉर्मूला न्यूटन फर्स्ट लॉ का होता है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होता है आपका वी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और लास्ट का थर्ड का होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, न्यूटन थर्ड लॉ का फॉर्मूला। करो व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट, ये थर्ड लॉ पे काम करता है। ए पर्सन ड्रॉप बॉल फ्रॉम अ ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑब्जर्व इट व्हाट विल द पाथ ट्रेस बाय द। ये पैराबोलिक होगा ऐसे, ऑप्शन नंबर सी। करा व्हेन एन एक्सप्लोजिव सेल ट्रैवलिंग इन अ पैराबोलिक पाथ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एक्सप्लोड एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रेगमेंट विल मूव अलोंग द ओरिजिनल पैराबोलिक पाथ, ऑप्शन नंबर सी। करा फ्रॉम अ मिसाइल लॉन्च विथ अ वेलोसिटी लेंस देन लेस देन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ द टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। अगर कोई मिसाइल लॉन्च किया जाता है वो एस्केप वेलोसिटी से कम जाता है तो उसका इसका जो वेलोसिटी और एनर्जी होता है वो नेगेटिव में रहेगा। किसी भी चीज़ को अगर हमको स्पेस से बाहर भेजना है, अपने पृथ्वी से बाहर भेजना है, तो एक वेलोसिटी होता है एस्केप वेलोसिटी, उससे अगर ज़्यादा रहा तभी वो जा सकता है, उससे कम रहा तो वो नहीं जा सकता है स्पेस में। तो यही क्वेश्चन थे वेव के, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिक्स के। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा आपका वेव का। तो इतना क्वेश्चन था वेब से, जितने भी क्वेश्चन एसएससी में आए वो सारे मैं डिस्कस कर दिया हूँ। ये आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी में मैं भी बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी का जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम, अगर अभी अभी देख लीजिए 2019 2020 में जो क्वेश्चन आया है, अगर मान लीजिए एनटीपीसी का अगर एग्ज़ाम होगा तो इसका क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ इसमें आएगा ज़रूर, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री सबका सेम ही होता है। तो इसको भी देखिए, जो एनटीपीसी के लिए भी तैयारी करें वो भी देखिए, ग्रुप डी का जो तैयारी करें वो भी देखिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं, वो मैं डिस्कस किया हूँ, और नहीं तो आने वाले जो सीएचएसएल उसमें तो इम्पोर्टेंट ही है ही। तो ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।